ओनली भाग्य फेम एक्ट्रेस अंजुम फकी जा पहुंची हैं मक्का में अपनी उम्रा पूरी करने। पहली बार वो उम्रा के लिए मक्का पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने अपनी मम्मी के साथ के कुछ फोटोज़ को शेयर किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक्ट्रेस बुरी तरह से ट्रोल होने लगी। मतलब आपको बता दें, आज से 2 से 3 दिन पहले अंजुम फकी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फ़ोटोज़ को पोस्ट किया जिसमें वो सफ़ेद कलर के बुर्का पहने साथ में मक्का के आगे खड़ी नज़र आ रही थी। वहीं उन्होंने अपनी मम्मी के साथ कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर किए और अब उसके बाद से एक के बाद एक नए अपडेट्स उनके सामने आ रहे हैं। तो इसी बीच उनका एक फ़ोटो सामने आया जिसमें वो नज़र आ रही हैं दुआ पढ़ती हुई और वहीं बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है मक्का मदीना। लेकिन इस फोटो को देखकर फैंस काफ़ी भड़क उठे क्योंकि इस फोटो में अंजुम फकी ने अपने सिर पर ना तो कोई दुपट्टा पहना है और ना ही हिजाब पहना है। इसको लेकर फैंस उसके बाद उनको ट्रोल कर रहे हैं और वहीं जब उन्होंने बाद में कुछ फ़ोटोज़ को पोस्ट किया तो लोगों ने कहा कि एक्ट्रेस इसका क्या है, पहले वो छोटे कपड़े पहनती हैं, लाइमलाइट में आती हैं और उसके बाद जा पहुँचती हैं मक्का। तो वहीं कुछ यूज़र्स ने लिखा कि भाई दुनिया को नंगापन दिखाने के बाद हज जाती हुई बाजी। एक यूज़र ने लिखा प्लीज़ कीप वेयरिंग अबाया एवरी सिंगल डे। तो वहीं एक यूज़र ने लिखा मैडम दुपट्टा तो ले लो सर पर। तो एक यूज़र ने लिखा सेलिब्रिटी सिर्फ फ़ोटोशूट और लाइमलाइट में आने के लिए मक्का जाते हैं, इबादत पर्दा नमाज इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो वहीं एक यूज़र ने लिखा वेयर इज़ द हिजाब। वेल आपको बता दें कि अंजुम फकी के फ़ोटोज़ काफ़ी खूबसूरत हैं। पहली बार वो अपनी मम्मी के साथ उमराह करने पहुंची लेकिन वहीं ट्रोल्स के हत्थे चढ़ गई। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ है कहना कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्म बीट।